मैं चल के गाड़ी तैयार कर लेता हूँ क्योंकि लंबा सफर होगा। हे गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सुबह के 10 बज गए, मैं नहा धो लिया हूँ। यश और धन अभी सो के उठा है और ये रात का बचा हुआ केक खाना इसने शुरू कर दिया है। ये देखिए, हेलो बोलो बेटे। तो रात को यश और धन ने बोला कि हमें घूमने जाना चाहिए, तो हमने डिसाइड कर लिया कि कल हम घूमने जाएंगे। आज पूरा दिन उसी की तैयारी करेंगे। यश और धन को अपनी जो भी तैयारी करनी है वो करेगा। और राधा, आपने क्या सोचा है? मैं आज बनाऊंगी मट्ठी नमक पारे, क्योंकि रास्ते में हमें चाय के साथ नाश्ता चाहिए, तो उसके लिए हम मट्ठी और नमक पारे बनाएंगे। मैं चल के गाड़ी तैयार कर लेता हूँ क्योंकि लंबा सफर होगा। कहाँ चलेंगे हम, कुछ सोचा है? वो नैनीताल। आपको कल ही बताएंगे हम कहाँ जाएंगे। तो अभी मैं तैयारी करता हूँ, गाड़ी साफ करके आऊंगा। और यशवर्धन बेटे, आप भी अपना काम करो। चलो बेटे, उठो, गाड़ी साफ करने चलेंगे। चलो चलो, बहुत देर हो रही है, उठ जाओ। कपड़े दो इसको राधा, इसको कपड़े दो। ये वाले पहनेगा, ये मशीन के बाहर पड़े, चल देख वहीं होंगे। जल्दी तैयार हो जाओ। गाड़ी में पेट्रोल और सीएनजी वगैरह आज ही डलवा लेते हैं ताकि कल हमारा टाइम खराब ना हो। तो चलते हैं पेट्रोल पंप पर। तो ये हम पेट्रोल पंप पर पहुंचने वाले हैं। सीएनजी के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन पेट्रोल फटाफट डल जाएगा। तो ये काम हम आज ही करा लेते हैं क्योंकि सुबह फिर जल्दी निकल सकेंगे। कौन सी लाइन में जाएंगे? इसी में दो तीन गाड़ियां हैं बस। अब हमें करना पड़ेगा थोड़ा सा वेट। अब हमारा नंबर आ गया, हाँ उतरना है। उतरो। सीएनजी तो फिल हो गई है, इसमें पेट्रोल भी डलवा लेते हैं। अब घर चल के गाड़ी को साफ करेंगे, थोड़ी आगे को लगाता हूँ, वहां पे अच्छे से साफ करेंगे। इस तरफ लगा लो, यहाँ लगा लो, इधर इधर से आगे गाड़ी दिखा। गाड़ी साफ करने में करीब 2 घंटे लग गए। मैं आ गया हूँ घर और यहाँ आकर देखा तो इनकी पैकिंग चल रही है। देखिए, राधा जी और यशवर्धन पैकिंग कर रहे हैं। क्या क्या पैक कर लिया? बिस्किट, खाने का सामान, हैंड वॉश और अचार। ये सारी इनकी पैकिंग चल रही है। कपड़े इस बैग में पैक कर लिए हैं। और खेलने के लिए क्या लिया है? बैडमिंटन, ठीक है। तो इनकी पैकिंग अभी चल रही है। इसके बाद मट्ठी बनाएंगे। मट्ठियाँ बना के पूरी और आलू की सब्जी भी घर से ही लेकर चलेंगे। पैकिंग के बाद राधा जी ने मट्ठियाँ बनानी शुरू कर दी हैं। खस्ता मट्ठियाँ। और यहाँ पानी भर रहा है, इस जग को हम लेकर जाएंगे। यशवर्धन पैकिंग करते करते इतना थक गया है कि अब आराम कर रहा है। ये बॉल भी लेकर चलोगे बेटे? ठीक है। खाने के लिए इसने ये पूरा बैग भर लिया अपना खाने से। शर्मा, अभी चिप्स बचे हैं कह रहा है। कुछ छोड़ोगे बेटे घर में? रोटी भी बची है अभी। घर में कुछ छोड़ोगे? नो। ये इसने कल देखे कितना अच्छा सजाया था, इसकी मम्मी का बर्थडे था। ये इसने खुद अपने हाथों से किया काम सब। अब फाइनल पैकिंग का टाइम है। तो ये कपड़े पैक हो रहे हैं। ज़्यादा कपड़े नहीं लेके जाएंगे क्योंकि हमें इतना घूमना तो है नहीं, 2 दिन के लिए जाना है सिर्फ। लेकिन फिर भी देखिए कितना बड़ा बैग हो गया क्योंकि सर्दी के कपड़े हैं। तो पैकिंग हमने कंप्लीट कर ली है। पैकिंग करते करते रात भी हो गई है और खाना खा लिया है। तो इस ब्लॉग को करते हैं एंड। कल सुबह जल्दी जाना है।
तो सुबह मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए बाय बाय।